आपकी होस्ट, आपकी दोस्त एनी राजपूत। आप देख रहे हैं एपी टीवी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है फंड रीजन। क्या इमरान खान फंड रीजन से पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं? आइए हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं इस हवाले से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहिए। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। पहले से मेरा सवाल है कि इमरान खान फंड रेजिंग से पाकिस्तान का कर्ज़ा उतार सकते हैं? फंड रेजिंग से देखें, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोऑपरेट कर लें तो ये कर्ज़ा तो नहीं उतार सकते, कम अज़ कम ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। और यहाँ पर मकामी जो लोग हैं वो भी अगर सपोर्ट कर लें, जैसे बिजनेस कम्युनिटी है या पॉलिटिशियंस हैं, ये आगे बढ़ जाएं तो काफ़ी हद तक उतर सकता है, इससे पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े दिल के लोग नहीं हैं, अगर ओवरसीज़ भी आ जाएं तो कम से कम 50% तो उतार ही सकते हैं। कर्ज़ा उतारने के लिए हमें ज़रूरी है कि माइनिंग करना पड़ेगी, जैसे बलूचिस्तान वगैरह में हैं हमारे रिसोर्सेज, उनको निकालना पड़ेगा, तो मे बी पॉसिबिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर। जुबैर, मेरा आपसे एक सवाल है, जवाब देंगे? जी जी, पूछें जी। मेरा फंड रेजिंग के हवाले से सवाल है, क्या इमरान खान साहब फंड रेजिंग करके पाकिस्तान का कर्ज़ा उतार सकते हैं? जी, कल इमरान खान ने अपने तहत एक कोशिश की है जिसमें तकरीबन 3 घंटे में 5-6 अरब रुपए इकट्ठा किया है। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कोशिश है इमरान खान की तरफ से, लेकिन जो इस वक्त NGOs काम कर रही हैं, जो फाउंडेशन काम कर रही है, हमें उनके काम को नहीं भूलना चाहिए। जैसे अलखिदमत होगी, अलखिदमत के लोग इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं। इस देखा जाए तो इमरान खान एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन है, उसे अपनी यानी कि सियासत से फुर्सत मिलेगी तो फंड काम करेगा। एक तरफ मुल्क में सैलाब आया हुआ है, दूसरी तरफ वो अपनी सियासी सरगर्मियां भी जारी रखे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये जो काम है, ये जो फलाही NGOs हैं, इनको ही करना चाहिए। इमरान खान बहसीत एक पहले उभरा था, एक अच्छा लीडर के तौर पर आया था सामने, लेकिन अब ये उसकी यानी कि हुकूमत जाने के बाद उसकी जो कारकर्दगी की रही है, मेरा नहीं ख्याल कि जैसा कि उसने रात को 3 घंटों में 6 अरब इकट्ठा किया, तो अगर वह आवाम को कॉल करते हैं कि फंड डोनेशन में उसका साथ दें पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारने में, तो क्या आवाम साथ देगी उसका? जी, ऐसे तो देखा जाए तो फंड तो इकट्ठा कर लिया उसने काफ़ी सारा, लेकिन कर्ज़ पाकिस्तान का इस तरह से नहीं उतारा जा सकता जिस तरह से आप बात कर रही हैं, इस तरह से काफ़ी मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि क्या करें तो पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर सकता है? पाकिस्तान का कर्ज़ा, एक तो ये है कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चल रहा है, ये देखें, हम एक इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं। पहली तो बात है, हमारा मईशत का निज़ाम किस पर खड़ा है? सूदी निज़ाम पर खड़ा है। सूद, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूद एक सबसे बड़ा गुनाह है, ये समझ लेगा। जी जी, ये बात तो सही, ठीक है कही। हमारी पूरी की पूरी पाकिस्तान की मईशियत सूदी निज़ाम पे खड़ी है। पहले सबसे पहले हमें इस सूदी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए ख़त्म करने की तरफ तवज्जा देनी चाहिए, इसके बाद ही पाकिस्तान के कर्ज़ा उतारने ये के बारे में सोचा जा सकता है कुछ। जब तक ये सूदी निज़ाम है, जब तक पाकिस्तान कर्ज़े तले दबता चला जाएगा, जब तक ये सूदी निज़ाम नहीं ख़त्म होगा। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो क्या आवाम उनका साथ देगी? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी? आप कुछ कहना चाहेंगे? कौम ने बताया है, बल्कि ये सबूत दिया है कौम ने, ठीक है, हमारी जान भी कुर्बान है। जब जैसे ही कॉल करेंगे, मैं पाकिस्तान जनूबी पंजाब से हूँ, और इंशाल्लाह जनूबी पंजाब बताएगा कि इमरान खान का कैसे साथ देते हैं, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से साथ। बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, जैसे कि रिस्पांस आया है रात में, आपने देखा है, सिर्फ 2.5 से 3 घंटे के कलील अरसे में जो है तकरीबन 520 करोड़ रुपये इमरान खान को ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो इधर मुकीम है उन्होंने दिए हैं। तो अगर यही जज्बा रहा कौम के मसाइल को हल करने का, तो हम सबको अब एक कौम बन के इसको जो है ना रिस्पॉन्ड करना है। और जितने हमारे मुसलमान भाई मतलब जो भी हैं बेघर हो चुके हैं इस वक्त, मसाइल का शिकार हैं, तो उनको मिलकर हमने सपोर्ट करना है। तो यही मैसेज है मेरा इस कौम के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। आपको इमरान खान साहब कॉल देते हैं पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारने में, तो क्या ये आवाम पाकिस्तान की उनका साथ देगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं देगी, हम उनके सपोर्टर हैं, वो हमें आवाज़ देंगे तो हम उनके साथ चलेंगे, वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम उनका साथ देगी? ज़रूर देगी, क्यों नहीं देगी, वो हक सच पे खड़ा है।
सच्चा इंसान है इंशाल्लाह, हम वो हमें कहेगा हम उनके साथ जितना भी हमारे पास होगा, जितने भी हमारे पास हो कर सकते हैं हम करेंगे उसके लिए, अपनी आवाम अपने मुल्क के लिए करेंगे हम इंशाल्लाह, ज़रूर देगी आवाम में उसका साथ। एक बात मैं देखें, जब ये आया था इमरान खान कुर्सी से उतारा था तो इन्होंने बोला था कि तोशा खानों से इसने घड़ी चुराई है, तो वो 6 घंटों में 7 अरब रुपया गठा कर सकता है, उस पर तो मैं लगा रहे हैं ये चोरी का कि तोशा खानों से इसने घड़ी चुराई है। इंशाल्लाह आवाम उसका साथ देगी, अगर वो कॉल देता है तो वो इंशाल्लाह आवाम उसके साथ देगी और देगी वो पैसे इंशाल्लाह, कर्जा उतारेगी। इमरान खान ने कॉल ज़रूर दी सलाब जदगान के लिए, असल मकसद ये है कि आज से पहले क्या इमरान खान को नहीं पता था कि पाकिस्तान का कर्जा उतारना है, इससे पहले कॉल क्यों नहीं देगी? ये दुनिया को दिखावा करने के लिए माशरे को और जो यंग जनरेशन है हमारे ख़ास तौर पर जो यूथी हजरात हैं हमारे, उनको दिखा रहा है, उनको कैप्चर करके रखा हुआ है इस बंदे ने। और ये बेच कौन ले, इनकी भी कोई सीरीज़ आपके पास नहीं है, ये कौन लोग आपको फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? देखें वो अगर भेज रहे हैं तो वो सलाब जदगान के लिए भेज रहे हैं, ना कि इमरान खान के लिए भेज रहे हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान वो जो फंडिंग आई है वो सबके सब इनके ऊपर लगाएगा, आज तक कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने सच्चे दिल से ये तमाम चीज़ें की हूँ। तो मुझे तो लगता है कि सब ये दिखावा और ये ढोंग रचाया जा रहा है ताकि अवाम के अंदर मज़ीद मोहब्बत पैदा की जाए, तो ऐसे हुक्मरान हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं और ना हम चाहते हैं कि ऐसे हुक्मरान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप जवाब देंगे। जी बताइए प्लीज़। मेरा फंड रेजिंग के हवाले से सवाल है कि जैसा कि रात को हम सब ने देखा इमरान खान साहब ने 3 घंटों में 6 अरब इकट्ठा किया, ठीक है, तो ऐसे अगर इमरान खान साहब आवाम को कॉल देते हैं पाकिस्तान का कर्जा उतारने में, तो क्या पाकिस्तान की आवाम उनका साथ देगी? इस वक्त आप ओवरऑल देखें तो पूरे वर्ल्ड में अगर कोई शख्स जिसको जो पाकिस्तान में है तो उस पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, तो वो एक शख्स है इमरान खान। क्योंकि खान साहब ने जब पिछले दिनों जब वो फ़ंड रेजिंग के वाले, उन्होंने कहा था मेरे पर बड़ा प्रेशर है, लेकिन हम एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं कि जो फ़ंड है वो असल लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो वो कह रहे थे हम पहले वर्किंग करेंगे उस पर, वर्किंग की फिर उन्होंने फ़ंड इकट्ठा किया, तो डेफिनेटली इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हैं पाकिस्तान में, वैसे भी वो पॉपुलैरिटी के एक बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं तो लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, पाकिस्तान का हर शख्स उस पर एतमाद करता है और उनको फंडिंग देगा, पैसे देगा उन्हें। आवाम तो साथ देगी, मगर साथ वो हो जाएंगे कि जैसे सैलाब के अंदर अब लोग मर रहे हैं, सैलाब की वजह से इनको फंड मिल रहा है, इमरान खान ले रही है, हुकूमत ले रही है, मगर ये आवाम को लीफ कोई बंदा भी नहीं देगा, ना इमरान खान देगा, इमरान खान भी अपने लालच पे, ठीक है, हुकूमत भी अपने लालच में। बाकी अगर ये कहना कि इमरान खान फंड देगा, कभी भी नहीं देगा, वो भी नहीं देगा, जैसे ये हुकूमतें भी नहीं दे रही, ठीक है, ये सब झूठ चलात है, इन लोगों को सिर्फ चक्कर देना, झूठ बोलना, ये इनकी आदत है, ठीक है। वो इमरान खान ने भी 6 अरब रुपया इकट्ठा करा ना, वो लोगों के मरे हुए पे उसने पैसा इकट्ठा किया ना, मेरी इतना डंगर चले गए, इतने मेरे बंदे चले गए, इतना मेरे मुल्क का नुकसान हुआ है, तो मुल्क का पहले जब ये 1.5 साल इसने हुकूमत करी है, पहले इसने क्या किया, अब ये आ गए तो इन्होंने क्या करना, मगर ये अपनी मदद आपके तहत ही, भाई कोई अल्लाह इनका साथ देगा तो आवाम का होगा, मगर ये कहें ना कि ये मदद करेंगे, ये कोई चक्कर नहीं है, अपने अकाउंट भरेंगे, अपने सिर्फ आप अगले इलेक्शन के अपनी तैयारियाँ करेंगे, ये 2-4 दिन के लिए सैलाब चला गया और फिर हर चीज़ ही ख़त्म। अब जैसे आप बता रही हैं तो काफ़ी खुशाइन बात है, लेकिन जहाँ तक बात है कर्जे उतारने की, तो कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं मुल्क के ऊपर, तो जिस तरह के अब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बाई बर्थ जोन से उसके ऊपर 1 लाख से ज़्यादा कर्जा होता है, तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल हो गया है कर्जे उतारना ना पाकिस्तान, जिस तरह के एक बार कर्ज़ों के दलदल में, क्योंकि हम सूद के ऊपर कर्जे उठाते हैं, तो सूद जिस तरह आपको पता है अल्लाह और उसके रसूल का जंग है, तो उस सूद को उतारने के लिए हमें नए कर्जे लेने पड़ते हैं, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुल्क है ना ये नीचे की तरफ ही जाएगा जब तक कि कोई परफेक्ट प्लानिंग नहीं होती इसके लिए। पहले नंबर पे तो हमें ज़रूरत होगी कि मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाई जाए, ताकि जितने मतलब सरमायाकारी ज़्यादा होगी उतनी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ेगी, उतनी मुल्क की GDP बढ़ेगी, तो उसके साथ ही जौन सा मुल्क आगे बढ़ सकता है, और जब तक मुल्क अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा, एटलीस्ट मतलब जितने मुल्क के अखराज हैं एक्सपेंसिस हैं वो खुद हम बेयर नहीं कर सकते, तो कर्ज़े उतारना तो उसके बाद की बात है ना। और अगर अमीर लोग जिस तरह के पाकिस्तान में हैं भी, वो भी अगर पैसे दे देते हैं तो वो भी हम कर्ज़े उसके बाद पूरे नहीं उतार सकते, वो शॉर्ट टर्म तो एक तरह का हो जाएगा उससे फ़ायदा, लेकिन पूरे कर्ज़े उतारना तो मेरे ख्याल में तो इम्पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया।
जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त एनी।